अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जो है अचार जो है वो मैं रेडी करने लगी हूँ। तो कैरी जो है वो मैंने अच्छे से धो ली थी, पतीले में डालकर खुले पानी में जो है कैरी हम अच्छे से धो लेंगे, और साथ ही साथ कैरी में जो गुठली लगी होती है वो जो है हम निकाल लेंगे। और कैरी को जो है हमने बिल्कुल हाथों से मसल मसल कर धोना है, जिस तरह उसमें जो मतलब उसका पानी होता है कैरी का वो जो है अच्छे से साफ़ हो जाए, और जितनी भी मिट्टी वगैरह धूल वगैरह जो थी वो सब साफ़ हो जाएगी। और ये गुठली जो है इस तरह हम निकाल देंगे, और साथ ही साथ जो है इसको हम छन्नी में जो है डालते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी कैरी की जो गुठली है वो मैंने निकाल चुकी हूँ, और पतीले में जो है वो सब कैरी मैंने डाल दी है। साथ मैंने इसके अंदर शामिल किया है नमक और हल्दी। अब नमक और हल्दी को हम अच्छे से इसको मिक्स करके इसको हम रख देंगे छत के ऊपर सुखाने के लिए। तो चलते हैं ऊपर छत पे। यहाँ पे जो है हम कपड़ा बिछा लेंगे, फिर हम जो है कैरी जो है वो सारे इस कपड़े पे डाल देंगे। यह जो है वो हमने सारे पिला दिए, अब हम इसको सीधा कर लेंगे जो जो उल्टा हुआ है। सब कैरी जो है वो अच्छे से हमने सीधी कर ली है, इसको आप सुखाने रख देंगे। जो पाउडर मसाले हैं उनको हम नहीं पीसेंगे, बाकी जो साबुत गोल धनिया था उसको हम पीस लेंगे, और बिल्कुल मोटा मोटा क्रश करना है। तो हमने मोटा मोटा चॉप करना है, ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं पीसना है। हम शामिल करेंगे सौंफ, 5 किलो का मसाला है ये टोटल। फिर इसमें शामिल करेंगे कलौंजी, इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा, राई, मेथी दाना। मसाले को जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस मसाले को जो है हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, मतलब स्टीम कर लेंगे। अच्छा, ये कैसे भुनेगा कैसे पता चलेगा? एक तो जो है साइडों में से जो है इसकी स्टीम आने लग जाएगी। कैरी जो है वो हमारी सूख चुकी है, लगाएंगे हम मसाला और इसको हम रखेंगे जार में भर कर। जो है अब हम लेके चलते हैं नीचे। कैरियों को जो है मैंने पतीले में डाल लिया है, अब इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैं पिसी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई मिर्च, ये हल्दी, नमक, मसालों को जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था वो सब मसाले जो है अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सारे मसाले, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मदद से जो है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, और मसाला जो है हमने जो है अच्छे से मिक्स करना है, तो मैंने हाथ पे जो है वो शॉपर चढ़ा लिया। अब इसको मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। जो है अच्छा सा जो है मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है कैरी में। और अच्छा जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अचार की जो मेहनत है, हम अचार मैं अचार डाल रही हूँ, कुछ मतलब कितनी भी इसके अंदर मेहनत लगे वो एक अलग बात है, पर अचार के साथ साथ व्लॉगिंग करना और अपने मतलब अपनी वीडियो बनाना, तो ये मेहनत जो है वो अलग बात है। तो आप जिस जिसको जो जो भी आप मेरी अचार वाली वीडियो देखे, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम जो है 5 किलो का जो है वो अचार डाली हूँ, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे और अल्लाह पाक इसको बहुत अच्छे से तैयार करवाए। बस ये है मेरा आपसे कहने का मतलब, ये है कहने का आपको कि आप लोग ने वीडियो देखनी है और वीडियो को आपने करना है लाइक, सही है। अचार जो है वो जार में जो है वो मैं भर चुकी हूँ, इसके अंदर मैं डाल दूँगी तेल। तेल डालने के बाद इसको हम जार को हिलाते रहेंगे ताकि जो मसाला और जो तेल है वो नीचे जाता रहे। माशाल्लाह से जो है अचार का जो पूरा प्रोसेस था वो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है। तेल भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, और कलर भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। अब इस जार को जो है वो मैं कपड़े की मदद से पूरा लपेट लूँगी, और इसको इससे ही कपड़े से ढक देंगे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को आपने करना है लाइक और कमेंट में बताना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जो है बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। और आपने ये जो अचार की जो रेसिपी है वो ज़रूर आप लोगों ने जो है ट्राई करनी है।